अगली खबर, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी के तौर पर अविनाश पांडे ने 3 साल पूरे कर लिए और ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक, उनके फॉलोवर्स उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके कार्यकाल में राजस्थान में कांग्रेस का राज आया, एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये अविनाश पांडे राजस्थान में हासिल करते हैं। लोकल बॉडी इलेक्शंस जो भी हुए थे उसमें भी कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने 3 साल यहां की राजनीति में पूरा कर लिया है बतौर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी के तौर पर, और अब उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, ये 3 साल का सफर राजस्थान की सियासत में अविनाश पांडे का, जिसमें 2 माइलस्टोन रहे, एक तो कांग्रेस राज आया राजस्थान में, दूसरा लोकल बॉडी इलेक्शन, उसके अलावा इस सफर को देखें तो कैसे, कौन कौन से पॉइंट्स जो बहुत आकर्षित करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस को एकजुट रखना, वो काम अविनाश पांडे ने राजस्थान में अभी तक बखूबी तौर पर उस काम को किया है, और जहां तक पूरी चुनाव की रणनीति बनाने का काम और हर कार्यकर्ता से उनकी बात को सुनना, समझना और उस पर अमल करना, और राजस्थान की कांग्रेस क्या चाहती है उससे आला कमान को अवगत कराना, वहां के संदेश को राजस्थान की कांग्रेस को आकर बताना, तो ये जो काम है एक सेतु का काम उन्होंने दिल्ली और जयपुर के बीच किया। और यूं कहा जा सकता है कि इस पूरे कार्यकाल के दौरान अब तक कई मुश्किलें आई, लेकिन उसके बावजूद अविनाश पांडे ने अपने काम को बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी से अभी तक निभाया है। किसी तरह का कोई भी लांछन उनके पूरे इस कैरियर पर अब तक नहीं लगा, और एक बहुत पुराना अतीत उनका है, यूथ कांग्रेस के जमाने से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, उसके बाद एनएसयूआई के जमाने से कांग्रेस पार्टी में वो शामिल रहे और कई पदों पर रहे। राजस्थान में भी वो यूथ कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, राजस्थान से उनका पुराना नाता और रिश्ता रहा है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के नेता है उनसे उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, और हमने देखा कि राजस्थान से उनके लगाव का यही कारण रहा कि उनके परिवार में जब वैवाहिक कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस को बुलाना उचित समझा, और राजस्थान की कांग्रेस के नेताओं ने, यहाँ तक कि जो कांग्रेस के लीडर्स भी उसके अलावा भी और लोगों को भी उन्होंने वहां पर बुलाया, और वहां पर भी खास तस्वीर योगेश देखने को मिली थी कि कैसे सत्ता और संगठन के बीच में एक बार फिर से वो कनेक्टिंग लिंक बनकर प्रस्तुत होते हैं वहां पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम चीजों को समझाने के लिए।